तो गाइस आप देख रहे हो कि काफी भीड़ है यहाँ पर, खास से ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, मतलब इतना भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे पीछे पूरा मार्केट But I follow all religion. I also follow all religion. Yeah. Because I believe God is one. India में सबसे अच्छा बिरयानी का टेस्ट जो हम लोग को लगता है बाकी टूरिस्ट लोग का रिव्यू है वो है कोलकाता का बिरयानी। कोई बोलेगा हैदराबादी बिरयानी, कोई बोलेगा लखनऊ बिरयानी, बट हम बोलेंगे कि एक बार कोलकाता का बिरयानी खा के तो देखो। हम लोग बाहर आ गए स्टेशन से और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये कोलकाता का हावड़ा स्टेशन। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, एक यात्री निवास है तो सस्ते में काम हो जाएगा। मुखर्जी साहब बोल रहे हैं कि सस्ते में काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितना लेता है अंदर जाके। एक दिन का, एक ही दिन रहना है हम लोग को, मतलब रहना मतलब बैग ही रखना और कुछ करना नहीं है। तो अंदर जाके देख लेते कि कितना चार्ज करता है एक दिन के लिए। तो चलिए अभी यहाँ से जाता हूँ आगे और आगे जाके देखता हूँ कि कितना चार्ज करेगा वो एक दिन का। तब तक मैं आपको ये हावड़ा का जो फेमस स्टेशन है वो मैं दिखाता हूँ। ज़बरदस्त स्टेशन है, बहुत बड़ा है, चेन्नई जैसे ही चेन्नई की याद आ गई, लेकिन उससे भी बड़ा है शायद से। तो गाइस ये है IRCTC का संपत रेल यात्री निवास, यहाँ पर आप रह सकते हो। पेड़ है, बेसिकली एक पेड़ हंसते है। तो अब देखते हैं कितना लेते हैं, लेकिन रहना है अपने को एक दिन के लिए। तब देखते हैं, चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई अभी हम लोग ने रूम बुक कर दिया और ये IRCTC के तरफ से ही, मतलब रेलवे के तरफ से ही। तो बेसिकली इनका रेलवे के साथ टाई अप है और रूम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ रूम, 1400 रुपये लिए, 1450 रुपये। तो फॉर 12 आवर्स, 24 घंटे के लिए नहीं मिलता, सिर्फ 12 घंटे के लिए मिलता है। तो जिनको यही रूम पसंद है, इसलिए हमने बोला चलो ले लेते हैं। तो 104 नंबर है रूम, देख लीजिए रूम है कैसा। तो गाइस अभी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ कि रूम है कैसा। तो ये है पूरा रूम, इस तरह का है कुछ रूम ये, और यहाँ पर बेड है। तो मैं तो उस कोने में सोने वाला हूँ, क्योंकि जिन इस कोने में सोने वाली है। तो सोने नहीं वाले हम लोग, बेसिकली हम लोग बैग रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, फिर फ्रेश होएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को निकलना है बैग। अभी मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, वो हमको थोड़ा कोलकाता घुमाएगा। तो यहाँ पर रुकने नहीं वाले, यहाँ पर सिर्फ फ्रेश होकर हम लोग निकल जाएंगे, यहाँ पर आराम नहीं करना है, बस निकलना है। अभी अरुण जी क्या करते पता नहीं, वो गए आगे, अब देखते वो मिलने आते कि नहीं, क्या वहीं पर वो रेस्ट रूम में मतलब रह लेते, देखते अभी तक क्या होता है। तो बेसिकली ये है रूम, छोटा सा रूम है लेकिन ठीक है। और यहाँ पर है बाथरूम, ये वॉश बेसिन है, और ये है टॉयलेट। तो भी काफ़ी क्लीन है, मतलब एकदम साफ सुथरा है, फैन भी है और पानी। तो साफ सुथरा है, मतलब ऐसा भी नहीं। और यहाँ पर कबर्ड है, वो कबर्ड के अंदर आपको ब्लैंकेट मिल जाता है। तो ये है वो ब्लैंकेट, और अगर कुछ रखना है तो इसमें कुछ रख भी सकते हो आप, ये कपड़े या फिर सुखाने के, मतलब टंगाने के लिए। तो बेसिकली अच्छा रूम है, 1400, थोड़ा महंगा है, 1450, ऐसा नहीं महंगा नहीं, महंगा तो है, 1000-1200 में भी मिल जाता था। रेलवे की तरफ से यात्री निवास में था, लेकिन वो 1100 लिखा हुआ है, लेकिन वो 3000 मांग रहे, पता नहीं किसी तरह से, कह रहे कि 1100 तो पूरा फिक्स हो गया, 1100 वाला रूम 3000 है। तो और जब कैमरा देखा उन्होंने तो डर गए, तो पता नहीं मतलब ऐसा क्यों कह रहे थे वो, और कह रहे थे कि 3000 में आपको रूम मिल जाएगा। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, मतलब 1100 लिखा है और 3000 में दे रहे, तो अरुण जी भी थे उनको भी थोड़ा अजीब लगा। तो फिर हम लोग रूम ढूंढ के आखिर में यहाँ पर आ गए। जैसे एयरपोर्ट भी 1 घंटे की दूरी पर है बाय कैब, अगर ट्रैफिक रहेगा तो 1.5 घंटा पकड़ के चलो। तो अच्छा रूम है, साफ़ सुथरा है, लेकिन 1450 थोड़ा महंगा है। खैर हम लोग को तो सिर्फ सामान रखना था अभी, और जिनको भी पसंद आ गया था इसलिए हम लोग ने ले लिया। तो कोशिश करिए कभी भी और भी किधर अगर आपको मिल सकता है रहने के लिए तो ट्राई कीजिएगा, सस्ते में मिल जाता है। या फिर अगर मैं अकेले रहता तो मैं क्या करता, जो दुकान वाले हैं उनको मैं बोल देता था कि आप 200 रुपये में देता, आपको सिर्फ मेरा सामान रखो। कुछ दुकान वाले
एक्सेप्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं पहले तो कि सामान कुछ उल्टा सुलटा तो नहीं है, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रखने के लिए 200-300 रुपए ले लेते हैं, उनको पैसे से मतलब है तो रख लेते हैं वो दुकान वाले, और फिर आप घूम के आके अपना सामान लेके जा सकते हो। कुछ दुकान वाले, मैं सब दुकान वाले की बात नहीं कर रहा, कुछ दुकान वाले की बात कर रहा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, हालांकि उसमें थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन या फिर आपको ऐसा रूम देखिए सस्ता वाला देखिए। अगर अकेला रहता तो मैं 150-200 रुपये में अच्छा रूम भी रहता booking.com पे, वहीं पर मैं बुक कर लेता। तो चलिए अभी यहाँ पर फ्रेश होता हूँ, रेडी होता हूँ, और मेरा जो फ्रेंड है जो रिजीत, जिनको आपने पहले भी देखा है मेरे पंजाब के जो करतारपुर वाले सीरीज में, वो भी आ रहे हैं हमको पिक करने के लिए। तो फटाफट रेडी होता हूँ और ये भी रेडी हो जाएगा, फटाफट हम लोग रेडी होकर बाहर निकले जाएंगे और फिर आपको दिखाता हूँ कोलकाता की कुछ खास चीज़ें। तो चलिए, सी यू लेटर, बाय। तो गाइस अभी बज रहे 12:30 और अभी मैं वापस अपने दोस्त के साथ हूँ, इसको तो आप जानते होंगे रिजीत, जो मुझे पंजाब में मिले थे, गोल्डन टेम्पल। तो आज फिर से मुझे मिले रिजीत, तो यही मेरी हेल्प कर रहे कल से, आज मैं इनके होम टाउन में आया हूँ, तो अच्छा लग रहा है, और ये इनके फ्रेंड के साथ आया। तो अब हम चारों जा रहे घूमने के लिए, अब ये कहाँ लेके जा रहे हैं इनको पता, ये मुझे लेके जाने वाले घुमाने के लिए। कलकत्ता वाज़ द ब्रिटिश कॉलोनियल कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली। राइट, दिल्ली इज नाउ कैपिटल, बट कलकत्ता वाज़ बिफोर कॉलोनियल इंडिया। तो जैसा रिजीत कह रहे हैं कि हर दिन 1,00,000 लोग इसके ऊपर से जाते गुजरते हैं इस ब्रिज के ऊपर से, तो देखते हैं आज हम लोग भी आए यहाँ पर कोलकाता, कोलकाता आने का मौका मिला है मुझे, तो देखते हैं कैसा ये ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज आज एकदम घुमाएंगे बढ़िया से, और आप लोग भी देख लीजिए कलकत्ता का ब्यूटी क्या है, क्या क्या चीज़ है, और इतना बोल देते हैं कभी हो सके तो कलकत्ता विजिट करिएगा, क्योंकि ये कलकत्ता में ना आप एकदम चीपली घूम सकते हैं, कोई उतना एक्सपेंस नहीं है, ज़्यादा खर्च नहीं होगा, एकदम फ्रीली घूम सकते हैं। लाइक अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज दे आर मच एक्सपेंसिव, तो आप कलकत्ता में आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बिंदास घूमेंगे और फिर जाएंगे। सही बात है। तो दोस्तों मेरे पीछे गंगा रिवर यहाँ का, और मेरे ऊपर आप देख रहे हो ये हावड़ा ब्रिज, और नीचे एक्चुअली आप देख रहे हो तो थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, या वाइब्रेट हो रहा है, और ये है गंगा रिवर, इंग्लिश में गैंजेस कहते हैं, तो ये है वो रिवर। गाइस ये है यहाँ का हावड़ा ब्रिज, काफ़ी बड़ा है, और इसके राइट साइड में ये गंगा रिवर, जो पवित्र रिवर माना जाता है, पूरा गंगा रिवर है, और यहाँ पर है हावड़ा ब्रिज। इट कैन स्टे गुड फॉर 2 इयर्स, 2 to 3 इयर्स, सो मच प्योर वाटर। Yeah, we use this for our ritual purpose, to worship our God. We use this water, holy water. Yeah, it's a holy water. Yeah, this is a holy river. It originates from Uttarakhand, Gangotri Glacier. Since it is originating from hill station. They don't put garbage here. Huh? They don't throw garbage. Kachara, kachara. Many citizens throw garbage. Yeah. But still, it is pure. But you can drink. Yeah, we can drink. But you cannot educate them. Some people don't. Like to be educated. Yeah. Those who like to be educated, they do the good for nature. Yeah. तो यहाँ से बॉटल में पानी भर के लेके जा सकते हो ना, अलाउड है ना? हाँ 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 हाँ. Very holy water. तुम घर में पूजा के लिए यूज कर सकते हो. जैसे और सब पूजा. Yeah. He is Christian. But I follow all religion. I also follow all religion, because I believe God is one. Yeah. We cannot see when we are alive. Yeah. Right. But if we do good, we can go closer to Him. Yeah. So Rijit जो है वो हमको थोड़ा information दे रहे हैं यहाँ की, कि क्या क्या फिर गंगा रिवर के बारे में बता रहे हैं, फिर ब्रिज के बारे में बता रहे हैं, तो अच्छा है यहाँ का कोई लोकल मिल जाता है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और आइडिया भी मिल जाता है, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है रिजीत के साथ, सारी इन्फॉर्मेशन मिलते जा रही है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की कि मैं क्रिश्चियन हूँ, रिजीत हिंदू है, लेकिन फिर भी हम सारे रिलीजन को मतलब फॉलो भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए, एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए। इंडिया में सबसे अच्छा बिरयानी का टेस्ट जो हम लोग को लगता है, बाकी टूरिस्ट लोग का रिव्यू है, वो है कोलकाता का बिरयानी। कोई बोलेगा हैदराबादी बिरयानी, कोई बोलेगा लखनऊ बिरयानी, बट हम बोलेंगे कि एक बार कोलकाता का बिरयानी खा के तो देखो, एंड उसका जो आलू है ना पोटैटो, उसके लिए उसका टेस्ट डबल हो जाता है, पोटैटो गिव्स अ एक्स्ट्रा वैल्यू टू इट। सो इफ यू आर विलिंग टू कम ओवर कोलकाता, मस्ट टेक द बिरयानी एट वंस, कोलकाता मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी, जस्ट टेक द फ्लेवर ऑफ बिरयानी। अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं आगे, थोड़ा चल चल के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बस पकड़ना है, और बस पकड़ के ये हमको एक जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पर काफ़ी फेमस मतलब
खाना मिलता है, पता नहीं कहाँ पर मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको लेके जाएंगे। तो अब देखते हैं बस स्टॉप कितना दूर है, एयरपोर्ट है, दूर से चल रहा हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। चलने का फ़ायदा एक होता है कि मतलब चलने का एक फ़ायदा ये है कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ देखने मिल जाता है, जो आपको नॉर्मली टैक्सी से या बस से इतना क्लियरली नहीं देख पाते, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। और अगर रिजीत जैसा कोई बंदा मिल जाए तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको मिल जाती है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। वेस्ट बंगाल नेम वॉज नॉट कोलकाता, आई मीन इट वॉज कैलकाटा। तो ये है कोलकाता का पहला ओरिजिन जैसे अकॉर्डिंग टू रिजिट। और ये आपने देखा पोस्टल कोड भी इसका 7001 है। और ये स्टार्टिंग एरिया यही है, और उसके बाद से फिर शुरू हुआ था सीरीज। और इसको ग्रेटर कलकत्ता बोला जाता है। तो गाइस ये कोलकाता के खूबसूरत नजारे। गाइस ये राजभवन मेरे राइट साइड में आप देख रहे हो, ये राजभवन कोलकाता का काफी पुराना है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन लोग को तो मालूम होगा रविंद्रनाथ टैगोर कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर इज द ऑथर ऑफ अवर नेशनल एंथम, इंडियन नेशनल एंथम। तो हम लोग का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है एंड गाया भी है, और उसके साथ साथ बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ही किया है। ये जो आप लोग देख रहे हैं कि ये फ्रूट का फ्रूट जूस है, मैंगो फ्रूट जूस, और एकदम पूरा मतलब वेरी थिक भी है, और ड्राई फ्रूट्स उधर ऊपर भी स्प्रेड किया जाता है, जैसे चेरी हो गया, लस्सी वगैरह भी मिलता है। ये एस्प्लेनेड इंडिया का सबसे फेमस चीज़ है, हम तो बचपन से इस दुकान में खाते हैं, मेरे को आइडिया है। ये जो देख रहे हैं आप मेरे सामने, ये है टीपू सुल्तान मॉस्क। आइए आइए। तो गाइस ये मार्केट इधर का कोलकाता का, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी कुछ है शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग इस तरफ आ गए, और वहाँ पर आप देख रहे हो इस साइड जो लाइट्स का दिख रहा है आपको, वो बेसिकली स्टेडियम है, ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कोलकाता का इस टाइम पे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था, क्रिकेट स्टेडियम। अभी तो दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है स्टेडियम। ये ग्रैंड होटल है, आप लोग जो देख रहे हैं ये ग्रैंड होटल है, ये ग्रैंड होटल ग्रैंड ओबेरॉय का नाम से, जो ग्रैंड होटल मुंबई में है वही उसका ही एक ब्रांच है ये वाला। तो ये होटल में सेलिब्रिटीज लोग, फिल्म स्टार लोग, स्पोर्ट्स फैन, जो सुपर स्टार्स होते हैं वो इन होटल में आके रहते हैं। ये मतलब वन ऑफ द 7-स्टार होटल है। तो गाइस ये पुलिस स्टेशन, पूरा ये पुलिस क्वार्टर ही है, जितनी भी लाल बिल्डिंग दिख रही है पूरा पुलिस क्वार्टर ही है ये। तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और मेरे पीछे आप देख रहे हो, मेरे पीछे पूरा मार्केट, यानी पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मार्केट ही मार्केट है। तो अभी जो भी यहाँ पे थोड़ा सस्ते में तो मिल जाएगा आपको, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन सस्ते में मिल जाएगा। तो ये नंदन सिनेमा हॉल है, ये कोलकाता का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल कल्चरल बंगाली सिनेमा हॉल है, जहाँ पर हम लोग का जो सीट का क्वालिटी है PVR आइनॉक्स जैसा ही फीलिंग होगा, क्योंकि एयर कंडीशन टोटल है, सीट का क्वालिटी भी वेल मेंटेन्ड है। बट इसका फीस, इसका जो चार्ज एंट्री फी है, ये सुन के आप लोग को हैरान होगा कि एक प्लेट चाउमीन मोमो भी नहीं आते 30 रुपीज़ में, इसका टिकट 30 रुपीज़ में आते हैं। और आज भी 30 है। आज भी 30 रुपीज़ में ही है इसका टिकट। तो जब भी कोलकाता आओ, एक दिन अगर ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हो तो एक दिन इधर घूम के जाओ, 30 रुपीज़ का फिल्म देख के जाओ, क्वालिटी ऑफ बंगाली कल्चर मालूम चल जाएगा। वेस्ट बंगाल फिल्म सेंटर। हाँ, वेस्ट बंगाल फिल्म सेंटर, दिस इज वन ऑफ द वेस्ट बंगाल फिल्म सेंटर, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड रविंद्र सदन एरिया, मेट्रो स्टेशन इज रविंद्र सदन। भाई आप देख रहे हो इसका जो रेट ऑफ टिकट है आज भी 30 रुपये है, प्रूफ भी है, तो काफ़ी चीप है। तो यही अगर दिखने जाओगे बॉम्बे में तो 475 के नीचे आपको टिकट नहीं मिलती है। और यहाँ कोलकाता से जुड़ी कई पेंटिंग्स भी थी। ये कैथेड्रल चर्च सबसे बड़ा चर्च है यहाँ का, चलिए अंदर जाके देखते हैं, पता नहीं वीडियो निकालना अलाउड है कि नहीं, फिर भी देख लेते हैं, ट्राई करते हैं।
गाइस अभी हम लोग चर्च देख के आ गए। मैं थोड़ा अंदर जाके आपको थोड़ा झलक दिखा दिया चर्च का। हालांकि चर्च में वो 30 रुपये ले रहे थे, 40 रुपये ले रहे थे एंट्री टिकट का, 40 रुपये ले रहे थे, जो मुझे सही नहीं लगा। रिलीजियस प्लेस पे कोई मेरे हिसाब से पैसे तो नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं अंदर जाके फिर भी देख के आ गया, फ्री में देख के आ गया मैं। और अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एक्चुअली रोड के साइड में खड़ा हूँ, और मेरे सामने कोलकाता का टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है बिल्डिंग नंबर 62, ये वाली बिल्डिंग। द 42 बेसिकली एक रेजिडेंशियल स्काई स्क्रैपर है और एक कोलकाता की सबसे ऊंची इमारत है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन कोलकाता, मोर देन 62 फ्लोर के ऊपर भी है, एग्जैक्ट मालूम नहीं है। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये बेसिकली विक्टोरिया मेमोरियल है, जो कि एक लार्ज मार्बल बिल्डिंग ऑन दी मैदान इन द सेंट्रल कोलकाता, एंड इट वाज बिल्ड बिटवीन 1906 एंड 1921, एंड इट इज डेडिकेटेड टू द क्वीन विक्टोरिया। तो चलिए अब चलते हैं इस खूबसूरत इमारत के अंदर। यहाँ पर काफी क्राउड है, और मेरे पीछे जो है वो नेता सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर थी, यहाँ पर भी है। हालांकि ये है तो एक म्यूजियम, लेकिन इस म्यूजियम में आपको ज्यादातर जानकारी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही मिलेगी। पूरा नेताजी के बारे में बताया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास के बारे में बताया गया है यहाँ पर, उनसे जुड़ी यहाँ पर चीज़ें मिलेगी आपको। यानी विक्टोरिया मेमोरियल तो है, लेकिन ज़्यादातर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस का ये दिखा रहा है, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल मतलब क्या इंग्लिश लोग का था ना, तो हम लोग को वेस्ट बंगाल में पूरा इंडिया को फ्रीडम तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही दिलाया, बोस ही जो है था वो फाइट करके हम लोग को इंडिपेंडेंस दिलाया, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को ये मोनूमेंट में ज्यादा करके हाईलाइट किया हुआ है। okay. क्योंकि ब्रिटिश रूल को मुक्त किया करा है सुभाष चंद्र बोस ने, हर फोटो देखो सुभाष चंद्र बोस जी का ही है। हाँ वो तो है। तो भाई ये लेटर है जो शायद सुभाष चंद्र बोस जी की लिखी हुई है। ये लेटर किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने, राइट। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, तो आप देख सकते हो कि नीचे एक लेटर है जो कि ओरिजिनल लेटर, इसमें उनको कांच के अंदर मतलब संरक्षित किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, डिग्री हासिल की थी तो वो इन्होंने यहाँ पर मतलब खाँच के अंदर उसको संरक्षित किया, मतलब देखने के लिए, लोगों के लिए देखने के लिए। तो और भी चीज़ें देखने लायक मैं और भी बताता हूँ। तो भाई जी आप देख सकते हैं पूरा उसका कंस्ट्रक्शन है विक्टोरिया मेमोरियल का। तातिया तोपे की पोशाक, और यहाँ पर है कुछ उस जमाने की बंदूक। तो गाइस यहाँ पर बहुत सी चीज़ें यार देखने लायक उस जमाने की, और ये विक्टोरिया मेमोरियल का एक छोटा सा एक मिनिएचर बोलते ना वो है, तो वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। By the way, जो पेंटिंग है इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल पेंटिंग ऑन अ सिंगल कैनवस, और इस चित्र में रूस के महान प्राच्य चित्रकार वैसली वेरेस्चागिन ने यह पुराने शहर से गुजरते राजकीय जुलूस को दर्शाया है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि प्रिंस ऑफ वेल्स और जयपुर के महाराजा पहले चित्र में हाथी पर सवार है, दूसरे में ब्रिटिश राजनीतिक दूत सर अल्फ्रेड लॉयल है, और उनके पीछे जयपुर राज के प्रमुख अधिकारी तथा विशिष्ट नागरिक है, और यह है 19th सेंचुरी की शिप। Thank you.
गाइस आप देख सकते हो कि दीवारों पर पूरा मतलब इतिहास दर्शाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो हर एक दीवार पे आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जाएगा, मतलब क्या क्या उन्होंने किया, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बेसिकली एक स्क्रीन है, वो स्क्रीन प्ले हो रहा है, उसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने देश के लिए क्या क्या कर रहे थे उसके बारे में बताया गया है। सिर्फ फोटोग्राफी है यहाँ पर और कुछ नहीं, सिर्फ नेचर से मतलब नेचर के बारे में बताया गया और कुछ नहीं है। मुझे लगा था कि विक्टोरिया के बारे में बताया गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एक नेचर से रिलेटेड फोटोग्राफी और कुछ नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग फेरी से जा रहे हैं और फेरी की टिकट है 6 रुपया पर पर्सन, फॉरेनर्स के लिए भी उतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखो काफ़ी भीड़ लगी हुई है और हम लोग यहीं से आए थे। और ये है टिकट काउंटर, फॉरेनर और इंडियन के लिए सेम है, 6 रुपया पर पर्सन। तो चलिए अब यहाँ से फेरी पकड़ते हैं और कहा है कि 5 मिनट में यहाँ से हम पहुँच जाएंगे हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो चलिए अब चलते सीधा वहीं पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी भीड़ है, मेरे पीछे भी काफ़ी भीड़ है। अब बस जैसा ये गेट खुलेगा वैसे सब के सब भागना शुरू करेंगे। तो गाइस आप देख रहे हो कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, खास से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, मतलब इतना भीड़ मैंने शायद कभी पहले कभी नहीं देखा होगा, इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर इस फेरी में। तो 6 रुपये की टिकट है लेकिन बहुत खतरनाक, बहुत रिस्क है इस फेरी में चढ़ना, लेकिन एक बार अगर आप एंट्री कर लेते हो तो अच्छा है, आपको अच्छा शायद व्यू अच्छा देखने मिलेगा, खास करके अगर आप शाम को जाते हो तो। दोपहर में शायद इतना भीड़ नहीं रहेगा लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर। गाइस ये फ्लोटेल यानी बेसिकली एक बोट है जिसमें होटल है बना हुआ, तो फ्लोट करते रहता है ये। तो इसकी टिकट थोड़ी महंगी रहती, मतलब थोड़ा कॉस्टिंग थोड़ा लंबा महंगा रहता है यहाँ पर खाना, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा लग्जरियस है ये लेकिन बहुत महंगा है। इस शिप का नाम है पोलो फ्लोटेल, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अंदर पार्टी वार्टी सब कुछ होता है और शायद प्राइवेट रूम भी मिलता है रहने के लिए, तो सब कुछ है बेसिकली, होटल प्लस रेस्टोरेंट प्लस पार्टी सब इवेंट विवेंट के लिए सब ये बेसिकली एक शिप है। तो काफी अच्छा है लेकिन महंगा है, मतलब इसकी टिकट जो है वो काफी महंगी में ही मिलेगी आपको। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चमकीला बोट है, वहाँ पर भी आप पैसेंजर देख पा रहे होगे, तो वहाँ से भी पैसेंजर जाते हैं लेकिन वो बोट जाती है मिलेनियम पार्क के लिए, तकरीबन 10 रुपए के आसपास ही होगी उसकी टिकट। तो गाइज ये यहाँ का फेमस हावड़ा ब्रिज तो आप देख सकते हो कि काफी सुंदर दिख रहा है रात में और अंदर काफी चहल पहल है, एकदम ठंडी हवा आ रही है तो अच्छा भी लग रहा है। आप देख सकते हो कि जो ब्रिज है नीचे कोई भी पिलर नहीं है उसके, इसलिए इसको हैंगिंग ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पुराना ब्रिज होने के बावजूद ये अभी तक टिका हुआ है और ये ब्रिटिशर के जमाने के मतलब उस टाइम का है। फाइनली शायद 10 मिनट का ट्रिप रहता है ये और 10 मिनट के बाद अब हम जा रहे हमारे होटल में, तो हमारा स्टॉप अब आ चुका है, अब फिर से धक्कम धुक्की चालू उतरने के लिए। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए अपने स्टॉप पर, तो अब चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर से इनको टिकट दिखाना पड़ेगा जो फाड़े थे और फिर हम लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा बाहर निकलते हैं। तो गाइस अब हम निकल चुके बाहर और सामने हावड़ा स्टेशन, तो हावड़ा स्टेशन को लगकर ही ये फेरी लगती है, तो अच्छा यार सीधा हावड़ा स्टेशन पर ही आ गए हम लोग, तो बढ़िया है सीधा होटल के पास पहुंच गए हम लोग, अब हम चलते सीधा अपने होटल में। तो वेस्ट बंगाल में क्या क्या देखने का चीज है ये आपके ही समझ जाओगे। हम लोग का वेस्ट बंगाल में समुन्दर है, हिल स्टेशन है, माउंटेन एरिया है, आपका बोल सकते हो तुम डेल्टा एरिया, सुंदरबन डेल्टा एरिया है, क्या क्या नहीं है। रॉयल बंगाल टाइगर इज वन ऑफ द फेमस टाइगर ऑल ओवर वर्ल्ड, राइट राइट। रॉयल बंगाल टाइगर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ टाइगर फाउंड इन सुंदरबन, टू पॉपुलर बीचेस आर देयर, समुंदर सी बीचेस, सो यू कैन एंजॉय देयर ऑल्सो। ऑन द सेम लैंड वी आर हैविंग बीच, ऑन द सेम लैंड वी आर हैविंग माउंटेन, सेम स्टेट, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कलकत्ता। हर जगह में हर स्टेट में थकाने वाला भी आदमी होगा, हां वो तो है। तो
उनका चक्कर में पड़ोगे तो कोलकाता खराब मत बोलना, क्योंकि हर जगह में वो ऐसा आदमी रहता है। वो तो एक आध रहते हैं जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में, और अच्छा इंसान भी रहेगा जो तुम लोग को हेल्प करेगा। वो तो एक आध तो मिलता ही, कोई गाइड कर देगा, कोई कुछ बोल देगा जानकारी, बट कोई कोई आएगा ठगा देगा, चीट करने के लिए रहेगा। तो इस ये सब स्टेट में रहते हैं, ये इसके स्टेट से कोई मतलब नहीं है, ये परसेंट टू परसेंट वेरी करते हैं। हां ये तो है, वो तो एक आध मतलब एक आध तो मिलते ही है हर जगह, वो एंटिक मिलेगा एक दो तो उसको अवॉइड कीजिए। और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो रही है, बस उसको पकड़ के रहिए और अपना जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं आपसे विनती करके बुलाता हूँ आप लोग को कि मौका मिले तो कोलकाता एक बार घूम के जाइए, यू विल नॉट रिग्रेट। या और अगर किसको भी लगता है कि मुझे कोई रिजिट जैसा कोई है बंदा, अगर रिजिट फ्री हो गए तो वो भी आएंगे आपकी मदद करने के लिए और आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे। मैं राइट रिजिट? एकदम एकदम, कोई इशू नहीं।